नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव लाइव यूपी उत्तराखंड हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज। आइए फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं यूपी की बड़ी खबरें। फतेहपुर खेत में सिंचाई के लिए पानी मांगने को लेकर दो पक्षों में मारपीट। दोनों पक्ष की मारपीट में 8 लोग हुए घायल। पुलिस कार्यवाही में जुटी। भारतीय किसान यूनियन डिकेट गुट के जिला अध्यक्ष अरविंद शाके के नेतृत्व में रेल रोकने जा रहे किसान यूनियन के नेताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीडीओ ने जिला अस्पताल महिला व पुरुष का किया औचक निरीक्षण। सीडीओ को छापे के दौरान मात्र 2 कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारी मिले अनुपस्थित। पूर्व बसपा प्रत्याशी कमालुद्दीन खान की गोली मारकर हत्या। गंभीर रूप से घायल कमालुद्दीन खान को इलाज के लिए वाराणसी ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। रसड़ा युवा परिवर्तन संगठन बॉलीवुड प्रतियोगिता का गुरुवार को आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि श्री सपा नेता हाजी नूरुल बशर अंसारी ने फीता काट कर कहा कि आज के समय में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी जरूरी है। यूपी में पंचायत चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले NBSP नामांकन व मतगणना स्थल चयन की कवायद शुरू हो गई है। दोनों स्थलों का चयन कर प्रस्ताव आयोग को भेजा जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस की पेंट्री कार में मिले 1.40 करोड़ रुपए की शुरुआती जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। नोटों से भरे सूटकेस की जांच GRP ने शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में संदेहास्पद परिस्थितियों में दलित बहनों की मौत के मामले में सियासत शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर पीड़ित परिवार को नजरबंद करने का लगाया आरोप। पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के विरोध में गुरुवार को गोरखपुर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतना तिराहा पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। यूपी की अहम खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं उत्तराखंड की खास खबरों पर। उत्तराखंड सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, अब पति के पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार होंगी महिलाएं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ योगा दिल्ली और उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय योग विज्ञान विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन का आयोजन 20 और 21 फरवरी को होने जा रहा है। त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट ने राज्य में 5 नई नगर पंचायतों एवं 1 नई नगर पालिका परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड में सोशल मीडिया के 5,000 सिपाही तैयार करेगी कांग्रेस। सरकार के खिलाफ जारी करेगी आरोप पत्र। 1 माह में इस अभियान के तहत पार्टी करीब 5,000 लोगों को जोड़ेगी। चमोली जिले में आई आपदा के 11 दिन बाद भी शवों के मिलने का सिलसिला जारी। मृतकों की संख्या हुई 61, अब तक 204 लोगों की गुमशुदगी हो चुकी दर्ज। यूपी उत्तराखंड हेडलाइंस में आज बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सत्यमेव लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर हाजिर होंगे नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्यमेव लाइव, पूरी खबर सच के साथ।